हानिया, फिर नसरुल्ला, अगला नंबर हाशिम सफीदीन का। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्ला ने अपने नए नेता को संगठन की कमान सौंप दी है। हाशिम सफीदीन को हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया गया है। सफीदीन भी हसन नसरुल्लाह की तरह बड़ा शिया धार्मिक नेता है और रिश्ते में नसरुल्लाह के चचेरे भाई भी। जानकारी के मुताबिक 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून एन नहर में जन्मा हाशिम सफीदीन हिजबुल्ला का वरिष्ठ अधिकारी रहा है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा थी। नसरुल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह को चलाया, लेकिन इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को हमले में मार दिया। नसरुल्लाह के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। वो कई विभागों का प्रमुख था। हाशिम सफीदीन इसराइली हमलों से बचता फिर रहा है। ये हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। हाशिम काली पगड़ी पहनता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में हाशिम सफीदीन को आतंकवादी घोषित किया था, क्योंकि इसने इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की थी जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। हाशिम के भाषण हमेशा इसराइल, अमेरिका और उनके मित्र देशों के खिलाफ ही रहे हैं, खासतौर से फिलिस्तीन के मामलों को लेकर। बता दें, सफीदीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफीदीन को हमेशा से ही नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई, जब ईरान ने कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में पदोन्नत किया। वो हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था शूरा परिषद में सेवारत 6 मौलवियों में से एक है और 2001 में कार्यकारी परिषद का प्रमुख चुना गया। सफीदीन शक्ल सूरत में हसन नसरुल्लाह से काफी मिलता जुलता है, लेकिन वो उससे कई साल छोटा है। सफीदीन ग्रे दाढ़ी रखता है और चश्मा लगाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने 2017 में सफीदीन को आतंकवादियों की नामित सूची में डाल दिया था, जो हिजबुल्लाह की शक्तिशाली निर्णय लेने वाली शूरा परिषद का सदस्य है। अमेरिकी वित्त विभाग ने उसे हिजबुल्लाह संगठन में एक वरिष्ठ नेता और इसकी कार्यकारिणी का प्रमुख सदस्य बताया है। सफीदीन का बेटा ईरानी जनरल रहे कासिम सुलेमानी का सगा दामाद है। सफीदीन के बेटे की शादी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की विदेशी ऑपरेशन शाखा के कमांडर रहे जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। साल 2020 इराक में अमेरिकी हमले में जनरल कासिम मारे गए थे। उधर इसराइल के लेबनन में भीषण हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या ने इलाके में तनाव को काफी बढ़ा दिया है। हमले के बाद इसराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा तो ईरान और अमेरिका भी इससे बाहर नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह, ईरान और इसराइल का अगला कदम क्या होगा। सवाल है कि एक के बाद एक झटके झेल रहा हिजबुल्लाह अपने सबसे बड़े नेता हसन नसरुल्लाह को खोने के बाद अब क्या करेगा। हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडरों की हत्या कर दी गई है और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, पेजर और वॉकी टॉकी को भी तहस नहस कर दिया गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह के सामने फिर से उठ खड़े होने और इसराइल को जवाब देने की चुनौती है। एक्सपर्ट का मानना है कि हिजबुल्लाह लड़ाई जारी रखेगा, ना कि इसराइल की शर्तों पर किसी समझौते को मान लेगा। हिजबुल्लाह के पास हजारों लड़ाके हैं और हथियारों का बड़ा जखीरा भी। उसके पास ऐसी मिसाइल और रॉकेट है जो इसराइल के तेल अवीव और दूसरे शहरों तक पहुंच सकते हैं। हिजबुल्लाह दबाव बढ़ने पर उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने इसराइल से, अफगानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये एक साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इसराइल पे काबू नहीं पा सकते, इसराइल की शक्ति, सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है। इसराइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को री एस्टैब्लिश करने के लिए। कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज हौती, हिजबुल्लाह और हमास, ये सारे टूट पड़ते हैं। शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की
बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेज वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इसराइल को नाजी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इसराइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और आए ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इसराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए, लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर वन हमने करी, वर्ल्ड वॉर टू हमने करी, वर्ल्ड वॉर थ्री भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीजन का इस्तेमाल करो, और खुद देखो साहब कर क्या रहे। इसराइल ने 2006 के लेबनान युद्ध में हिजबुल्ला सरगना हसन नसरल्लाह को 3 बार मारने की कोशिश की थी। इसराइल का पहला हवाई हमला अपने लक्ष्य से चूक गया था क्योंकि उस जगह से हसन नसरल्लाह पहले ही निकल चुका था। 2 अन्य हवाई हमले जमीन के कई फीट नीचे मौजूद उसके कंक्रीट के बंकर को भेदने में नाकामयाब रहे। लेकिन 27 सितंबर की रात को इजरायली सेना ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा। नसरल्लाह को दक्षिण बेरूत में एक अपार्टमेंट परिसर के नीचे बने एक बंकर में ट्रैक किया और उसे मार गिराने के लिए 80 से अधिक बम गिराए गए। इसराइल के पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों ने हिजबुल्ला को पहले ही घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्ला के कई शीर्ष कमांडर मारे गए जो दशकों से आतंकी अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे। अब इसराइल ने हसन नसरल्लाह को मार गिराकर हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह की मौत से ईरान को बड़ा झटका लगा। इसराइल के लगातार आक्रामक रुख और हसन नसरल्लाह की हत्या ने ईरान को गंभीर दुविधा में डाल दिया। ईरान के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि वो अपने महत्वपूर्ण सहयोगी हिजबुल्ला को हुए नुकसान की भरपाई कैसे करे और अपने क्षेत्रीय प्रभाव को कैसे बरकरार रखे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने नसरल्लाह की मौत पर आक्रामक रुख दिखाते हुए कहा कि उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। ईरान के IRGC कमांडर अब्बास निल फोरुशान की मौत भी नसरल्लाह के साथ हुई। अपने सैन्य अफसर की हत्या ईरान के लिए शर्म की वजह बनी है और इससे उस पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का दबाव भी बढ़ा है। इजराइल सीधे तौर पर ईरान और हिजबुल्ला पर भारी पड़ा है। ये 2 महीने में ईरान को दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की जुलाई के अंत में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान ने उस समय भी आक्रामकता दिखाई थी लेकिन किसी सीधी कार्रवाई से परहेज किया। हसन नसरल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतना ही बड़ा झटका है जितना हिजबुल्ला के लिए है। ईरान के पास पश्चिम एशिया में कई गुट हैं, इनमें हिजबुल्ला के अलावा यमन में हूती है। इसराइल अब हूती विद्रोहियों को भी निशाना बना रहा है। इसराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया। सीरिया और इराक में भी ईरान के पास मलेशिया है। ईरान इन समूहों से अपने क्षेत्रों में इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले तेज करने के लिए कह सकता है। ईरान इसराइल से सीधे जंग से बच रहा है, वो लंबी लड़ाई लड़कर इसराइल को बर्बाद दिखना चाहता है। अब देखना होगा कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान का अगला कदम क्या रहने वाला है।